जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, आज हम बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट कपकेक्स बनाने वाले हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दे आर सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी, और आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग यमी रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एंड हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आई वेलकम यू ऑल टू मेहर वर्ल्ड किचन। आई होप आप सब और आपके प्यारे खैरियत से होंगे और सेफ होंगे। आई विश ऑल ऑफ यू गुड हेल्थ, स्टे सेफ, स्टे हाइजीनिक। आज हम किचन में एक बहुत ही आसान और बहुत ही यमी सी रेसिपी बनाने वाले हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम बहुत ही इजी और यमी से कपकेक्स बनाने वाले हैं, और वो भी चॉकलेट कपकेक्स। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट नाउ, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो सके। चलें जी, तो अपने बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट कपकेक्स के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लें। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है। 1/3 कप कोको पाउडर लेंगे। 1 कप शुगर ली है। 1 कप मिल्क लिया है। देन वी डू नीड 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 टेबल स्पून विनीगर मैंने लिया। आप लेमन जूस भी ले सकते हैं, हम बटर मिल्क रेडी करेंगे इससे। देन 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1/3 कप ऑयल लेंगे, और 2 अदद एग की ज़रूरत होगी हमें। तो ये है हमारी आज की बहुत ही यमी और सिंपल सी रेसिपी चॉकलेट कपकेक्स के। बहुत ही सिंपल और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स, लेट्स स्टार्ट मेकिंग आर यमी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सबसे पहले ये जो हमने मिल्क लिया था, इसमें हम ये विनीगर ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं, तो हमारा ये जो बटर मिल्क है ये रेडी हो जाएगा। देन हमने एक बर्तन ले ली और एक ये स्टेनर ले लिया। तो पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है इनको स्टेन कर लेते हैं। तो ये ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया मैंने। कोको पाउडर इसमें ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पिंच ऑफ सॉल्ट, और इनको स्टेन कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको। नाउ लेट्स पुट देम अस्साइड। जी, तो अभी मैंने ये इलेक्ट्रिक बीटर ले लिया। आप चाहें तो ये सारा प्रोसीजर हाथ से भी कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम इसमें एग और जो हमने शुगर ली थी ये ऐड करेंगे, और इसको 5 मिनट्स के लिए हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। नाउ लेट्स एड ऑयल इन टू इट एंड वेनीला एसेंस, और इसको 3 से 4 मिनट्स के लिए मजीद मैं बीट करूंगी। अच्छा जी, तो ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अभी ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे, ये हम ग्रेजुअली इसमें ऐड करते हैं और मिक्स करते जाते हैं। लेट्स ऐड अगेन, और फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने ये जो बटर मिल्क रेडी किया था ये इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी, तो ये तमाम चीज़ें हमारी जो हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। जी, तो ये कपकेक मोल्ड ले लिया मैंने, और इसमें कपकेक शीट्स लगा दी हैं। अभी एक ये स्कूप ले लिया मैंने, और इसका अंदाज़ा हम इसमें डालेंगे। इतना हमने इसमें बैटर ऐड करना है ताकि इसको राइज होने की स्पेस मिल सके, इसको फुल कवर नहीं करना है।
तो इसी तरह से मैं जो ये है तमाम बैटर ऐड करती हूँ जी। तो ये तमाम जो है बैटर जो है मैंने मोल्ड में डाल दिया। अभी इसको थोड़ा सा टैप कर देते हैं ताकि इसमें कोई एयर बबल्स नहीं बने। और ओवन जो है वो मैंने 180 डिग्रीज पर प्री हीट कर लिया। अभी इसको 20 मिनट्स के लिए हम बेक करने के लिए डाल देते हैं। सो स्टे ट्यून्ड जी। तो आई हैव पुट देम इन द ओवन ऑन 180 डिग्रीज फॉर 20 मिनट्स। सो लेट्स वेट फॉर द यमी रिजल्ट। आई होप दे टर्न आउट रियली गुड बट दे आर स्मेलिंग सो नाइस राइट नाउ। सो लेट्स वेट। अच्छा जी, तो ये हमारे बहुत ही यमी से कपकेक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। नाउ लेट्स टेक देम आउट और इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन चेक आउट कर लेते हैं। स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार और ऑलमोस्ट सबकी ही फेवरेट रेसिपी चॉकलेट कपकेक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। और ये है इनकी फाइनल प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। इफ़ यू लाइक इट तो इस रेसिपी को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बटन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग यमी रेसिपीज। बट माई मदर विल टेस्ट इट एंड शी विल लेट मी नो द फाइनल रिजल्ट। आई होप शी विल लव दैम। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो किसी ऐसी बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स टू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकअल्लाहु खैर।